तो बताइए आज जगह आपको कैसा लगता है और यहाँ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? यहाँ आके तो सब कुछ कूल हो जाता है, ठंडा ठंडा हवा, घर से निकलते आते हैं, यहाँ पास में मैदान भी है, वहाँ खेलने आते हैं। अच्छा, यहाँ ठंडा का दिन में सबसे ज़्यादा पक्षी आता है, नॉर्थ का दर्द सुनते हैं। अच्छा, कैमरा मैन भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, कैमरा मैन किस टाइम ज़्यादा आते हैं? ठंडे का मौसम, दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी में, अच्छा, और बाकी टाइम थोड़ा सा कम रहते हैं? हाँ, बाकी टाइम बहुत ही कम रहे हुए निकलते। अच्छा, तो जब कितने टाइम के, जिस टाइम सबसे ज़्यादा आते हैं, कितने टाइप के स्पेसिस आते हैं? ना तो हमको नहीं पता, मगर यहाँ पोस्टर में तो बहुत ही दिया रहता है। पोस्टर तो मैं पीछे से दो तीन देख के आया, आगे भी बहुत सारा होगा, तो मेरे हिसाब से 30-40 तो होना चाहिए। बाकी इतना बड़ा एरिया है और कैच। अच्छा, ये विड्थ में ये जो 200-250 मीटर दिख रहा है उतना ही है? इधर भी है, उधर भी थोड़ा सा है, बस तो झील में नहीं आ गया, यहीं तक, वहाँ तक। अच्छा, ये लेंथ में ज़्यादा है ये जो एरिया है, और ये चौड़ा लगभग 200 मीटर के आसपास है ना? और दूसरा जो झील है उसका कितना लेंथ है और कैसा ये रहे? वो अलग ही होंगे, वो एकदम अलग है, उसमें चिड़िया ज़्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ चिड़ियों के लिए है। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े लोग कौन आए हैं यहाँ पे? तो हमको मेरा मैम एक और बोली थी, सलीम वाली, हम लोग का चैप्टर पढ़ाई हो रहा था, तो उस जब 8th क्लास में थे, हाँ जी, मैम बोली थी कि यहाँ पर सलीम अली भी आए थे पक्षी। अच्छा, वो अच्छा। इंडिया का बर्ड मैन है, इंडिया का बर्ड मैन कहता है सलीम अली, वो वहाँ पे फोटो खींचने आए थे। अच्छा, सलीम अली वो काफ़ी सीनियर के हैं? बहुत, वो अभी है कि नहीं हमको नहीं पता, शायद। अच्छा, बहुत पहले। अच्छा अच्छा, अब शायद दुनिया में नहीं रहे, नेट पे मारने से मिल जाएगा इंडिया। अच्छा, का बर्डमैन, वो सब बहुत अच्छा अच्छा इमेज मिली है बर्ड को, ये जो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड स्टडी को। हाँ। आलान ऑक्टोवियन ह्यूम जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो पहला कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना 1875 में, या उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा ध्यान याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी कुछ कलेक्शन किए थे। उसके बाद फिर कौन के मुझे पता नहीं। और अगर आप अगर बोल रहे हैं कि वो इंडिया के बर्डमैन है, सॉरी बर्डमैन है, बर्डमैन तो गुलशन ग्रोवर, एनीवे, तो अगर वो इंडिया के बर्डमैन है तो शायद उनका भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। वैसे मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था इनके बारे में, सलीम अली के बारे में, लेकिन मैं नाम सुना था। नेट पे सुनिए, नेट पे एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन आपका जानकारी के लिए शुक्रिया। ठीक है, आपकी आपकी बात हम सबको बता देंगे हमारे चैनल के जरिए। अच्छा, आप एनवायरनमेंट और बर्ड्स एनिमल्स के बारे में पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो यही सब देते हैं, हम लोग जैसे आज़ाद है वो भी लोग आज़ाद है, उनको अच्छे से रहना चाहिए, उनके लिए मतलब ना अपने छत पे थोड़ा सा जैसा बनाना चाहिए, छत तो खाली होता है, वहाँ पे ऐसा घोंसला बनाने ये जिसमें हमारा इस दुनिया में जगह है। आप कहना चाहते हैं कि उनका भी उस दुनिया में उतना ही हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हाँ। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू।